हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता वाला ब्लॉग। और गाइस, कैसे आप अच्छे होंगे। और गाइस, बारिश तो अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सोचते हैं सुबह रुक जाएगी, कल रुक जाएगी, बट नहीं रुक रही। और मैं रेडी हो गई हूँ गाइस, मुझे जाना है स्कूल में, मीटिंग में, प्रिंसिपल सर से मीटिंग है। और गाइस, मैं बताऊँगी, एक हमारी संस्था है और उससे हम जुड़े हुए हैं, ये बात बताऊँगी। पहले मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी रही। और हर्षित को मैंने अब ट्यूशन भेजा खाना खिला के, और मैं जा रही हूँ मार्केट नवरात्रों का सामान लेने के लिए क्योंकि बहुत भीड़ होने वाली गाइस। और चलते हैं माता रानी का सामान लेके आते हैं। तो गाइस, हम निकल गए हैं सामान लेने, और अभी भी किन-मिन बारिश आए जा रही है, बट लग रहा है, मुझे रोज लगता है कि कल खुल जाएगा, कल खुल जाएगा, लेकिन आज सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए फाइनली। ये देखिए गाइस, लग रहा है यार, लग रहा है कि अब खुल जाए, तो परेशान हो गए किच-किच से। और अभी जा रहे हैं मार्केट पूजा का सामान लेने, जो थोड़ा बहुत रहता है वो सामान ले आते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और बारिश में मैं सामान लेके हूँ। हाँ, दिन में जब वही थी ना, मैं कहती हूँ धूप निकल गई, अब कि धूप, मैं रोज ही कहती हूँ धूप निकल जाएगी और बारिश में दोगी, बट घर आई हूँ और इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, अब तक बारिश आ रही है। और बारिश में ही मैं सब्जी वगैरह लेके आई हूँ और सामान लेके आई हूँ, और कहीं भी माता रानी का जो रहता था सामान वो लेके आई हूँ। और परसों के लिए बहुत 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 एक्साइटेड हूँ मैं माता रानी के लिए, नवरात्रों के लिए नए नया सामान आई हूँ गाइस। नोज पिन, इयर रिंग्स, हार, बाल, सब कुछ, सब की सब लाई हूँ मैं। और बस मन कर रहा है जब सजा दूँ माता रानी को बहुत सुंदर सा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रहता था सामान जो आज ही ले आई, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा ही नहीं है। कल अनजान क्या बोलता है। और ये अब उठाया 9 बजे, इतनी मुश्किल से उठाया मैंने इसको, आई ट्यूशन से आया और सो गया। कौन तू? मैं कहा रात को नहीं सोएगा तो टीवी देख, बड़ी मुश्किल से उठा। टीवी देख, टीवी बंद तो था, मैं बंद कर दिया था, मैं कह थोड़ी देर लेट जाता हूं सोएगा। और गाइस, अभी बजे हैं 9:15 और हम सोच रहे हैं दोनों जने कि क्या बनाएं। मैं इससे पूछूं बेटा बता क्या बनाऊं, क्योंकि हर चीज जल्दी से खाता नहीं आई। तो मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, दाल, क्योंकि बाहर कोई सब्जी मिली ही नहीं, बस आलू और टमाटर लेके आ गई मैं। तो मैं से पूछूं दाल बनाऊं कि गट्टे की सब्जी बनाऊं, अभी दोनों ही मना कर रहा है, मुझे दोनों ही नहीं अच्छे लगते। अब ब्रेड पकोड़ा खाऊंगा मैं। क्या बोलता है, ब्रेड पकौड़ा खाऊंगा, ये खाऊंगा, पागल है। तो बस हम दोनों यही बैठ बैठ सोचे जा रहे हैं, मन भी नहीं कर रहा बनाने का, लेकिन बनाना तो है ही, कि क्या ही बनाए देखती हूँ, और मैं ही डिसाइड करूंगी। हाँ, और खाएगा नहीं पक्का, इसका पता है ऑप्शन भी खराब होगा नीचे का, कि ताई ने भी दाल ही बनाई है मूंग की, और मैं भी वही सोच रही हूँ बनाने की दाल, क्योंकि सुबह फिर पूरी बनने वाली है, मावस है। और मैंने पंडित जी को फ़ोन कर दिया कि कल मावस है, पंडित जी को खाने के लिए भेज देना। और सुबह के लिए मैं लेने गई थी गोभी, बट मुझे सब्जी ही नहीं मिली, जो बेचारे सब्जी वाले करते हैं, सारी सब्जियाँ ऐसी पानी में भीग भीग के गल रही थी। तो कह रही कि भाई हमारा बहुत नुकसान हो रहा है गाइस बारिश से, तो सही में ये बेमौसम की बरसात है और बीमारी वाली बरसात है ये। चलो मैं फिलहाल देखती हूँ कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, नहीं तो ऐसे ही टाइम जा रहा है, इसके पापा आ जाएंगे फिर चिल्लाएंगे कि अब तक नहीं बनाया खाना। बेटा किसी चीज़ों पर ठंडी हो रही है बहुत ज़्यादा, ज़मीन वो ठंडे वाला माहौल आ गया, ठंड वाला। हर्षु, ए हर्षित बेटा, कुछ ले आ जा बैठने के लिए नीचे, ऐसे ठंड में मत बैठ बच्चा, बीमार पड़ जाएगा। सही है तो तुझे अपने बड़े बीमार पड़ना, तो बैठ जा फिर, नंगा होकर बैठ जा फिर, ठीक है। पैंट को भी उतार दे, इसको पजामे को जो भी है उतार दे और बैठ जा, ठीक है।
तो गाइस ये हमारा एक बॉक्स हमने जो मंगाया था आपको दिखाते हैं कि क्या मंगाया था हमने, इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। पाव भाजी स्टैंड नहीं है, एक मिनट पाव भाजी का व्हाट इज दिस पाव भाजी स्टैंड। अच्छा इसका ये वो होगा ना लट्टू। बना लो अब कितने इसमें होल होल सब बना दिए हैं आजकल, सब चीज पॉसिबल है। ये नमकीन है देखो कुट्टू के आटे का। मार्केट गए थे हम ढोकला लेने, ढोकला का मन कर रहा था खाने का और मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम ढोकला लेने गए थे ना और आते हमने बनाया अप्पे। हाँ सूजी थोड़ी सी थी बस, अप्पे ट्रे आई तो कंट्रोल नहीं हुआ, हमने कहा कोई नहीं थोड़े से बना के तो देखते हैं आइडिया हो जाएगा। ये ऐसे बनते हैं और अच्छे बनते हैं, ऐसे अच्छे बना हो गया सही में, नहीं तो टेंशन हो जाएगी। और मैंने चढ़ा दिए गाइस, ये बन रहे हैं यहाँ पे अप्पे। गाइस हमारे अप्पे बन चुके हैं, अब खाने में बताने कैसे बने हैं ये। गाइस अप्पे तो बन भी गए और खा भी लिए, बट हर्षित का पेट नहीं भरा है इसमें क्योंकि थोड़ी सी थी बैटर। तो गाइस अप्पे खा चुके हैं, बहुत टेस्टी बने थे बट थोड़े पड़ गए क्योंकि सूजी थोड़ी थी, बैटर थोड़ा सही बना और ये कि दो बार के बने बस, और मैंने तो दो चार ही खाए चलते फिरते। और हर्षित का तो पेट भी नहीं भरा, हमने बल्कि एक एक पीस ढोकला खा लिया था, ढोकला लाए थे तो हमारा तो पेट भर गया, हर्षित का नहीं भरा। हर्षित ढोकला खाता ही नहीं है तो उसके लिए एक आलू का पराठा बना रही हूँ मैं, कह रहा मम्मी एक पराठा बना दो मेरे पेट में, क्योंकि गाइस थोड़ी सी सूजी थी और मैं कहा चल नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो अच्छे से बनाऊँगी। और मैंने अभी किसी को भी नहीं टेस्ट नहीं कराई नीचे साउंड वगैरह को क्योंकि बैटर थोड़ा सा था। तो गाइस अब बज गए पूरे पूरे 12 बज गए, जिस 12 बज चुके हैं गाइस कहाँ गई। और ये देखो मुंह धो के आया या नहा के आया कोई उससे पूछो, फेस वॉश करने गया था पूरा, देखो तरम तरम के आया, कपड़े चेंज कर। ऐसा मौसम नहीं है बेटा है। तो गाइस के फेस पे दाने दाने निकल रहे हैं तो इसको ना चंदन ला के दिया, चंदन घिस के फिर लगाना होता है तो पहले फेस वॉश करने गया और पूरा नहाया आता है, पूरा तरम तरम हो जाता है सही में, एक तरह से इसका नहाना हो जाता है ये। तो चलो गाइस जब 12 बज गए 12, कल संडे है सुबह फिर जल्दी उठना, संडे है फिर भी जल्दी उठना है क्योंकि कल है अमावस। कितने बजे उठोगे? वही 6 बजे तो उठूंगी, 6:30 बजे 7 बजे 6 बजे उठूंगा। अच्छा ये हमारे बताएंगे बाबा जी कि कितने बजे उठना है। और चलो गाइस इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस प्लीज़, और कमेंट्स करके बताना हमारी वीडियो को कैसी लगती है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मेरे लड्डू